आखिर ये लोग इतने आक्रोश में क्यों हैं? ये लोग 22 किलोमीटर की पदयात्रा करने को क्यों मजबूर हुए? चलिए हम आपको बताते हैं। कहने को तो राज्य सरकार विकास की गाथा लिख रही है, लेकिन प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा से मधेपुरा की ओर जाने वाली जर्जर सड़कों का हाल बेहाल है। जी हाँ, यहाँ की सड़कें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क। ये स्थिति न सिर्फ राज्य सरकार की सड़कों की है, बल्कि केंद्र सरकार के एनएच का भी हाल बेहाल है। इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ, पर इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। सरकार की इस बेरुखी से आहत लोगों ने सहरसा से मधेपुरा तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर जर्जर सड़कों की ओर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। पदयात्रा सहरसा के महावीर चौक से लेकर मधेपुरा के कर्पूरी चौक तक ये 22 किलोमीटर का पदयात्रा है। ये कोई राजनीतिक या कोई प्रशासन के खिलाफ कोई पदयात्रा नहीं है। इसका मुद्दा साफ है कि अगर राजनीति और प्रशासन साथ मिलकर काम करें तो आर्टिकल 370 के प्लानिंग के बाद एक दिन में सारा काम हो सकता है। 3-4 साल से यहाँ की सड़क की ये हाल है। इसका विरोध करने के लिए ये जो अपमान हम लोग महसूस कर रहे हैं, यहाँ मधेपुरा और सहरसा के लोग ये जो दुख महसूस कर रहे हैं, उसके खिलाफ उसको प्रकट करने के लिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीर है सहरसा की सड़कों की, जहाँ से लोग सड़कों की जर्जर हालत से अब विरोध में पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया है, जो सहरसा से चलकर मधेपुरा तक लगभग 22 किलोमीटर की है, जिसका उद्देश्य है इन सड़कों की दुर्दशा की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचना, जिससे इन सड़कों की दशा में सुधार हो सके। सरकारों की ओर से एक क्वेश्चन किया गया कि ये टेंडर निकला है, किस चीज का टेंडर निकला है? ब्रिक बैट से रोड बनता है क्या? और लूट खसोट का टेंडर निकला है। टेंडर होता है अप्रूव, उसका डीपीआर तैयार होता है, उसका एस्टिमेट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, वो सारी प्रक्रियाएं होती है। एनएच का सड़क है, एनएच का सड़क जो है पहले से बनाधिकरण का सवाल कहाँ उठता है? जो आपने क्वेश्चन किया है, जो बना हुआ है उसको तो कम से कम मेंटेन करे, और नई बनाने की बात हम लोग नहीं करते हैं। जो पुराना है, लाइफ लाइन है सहरसा का, और वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप जानते हैं, मोटरसाइकिल में आदमी डूब के मर गया, वहाँ इतना बड़ा गड्ढा हुआ, और ये सारी बातें आपके सामने है। हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, ये बाहर से चल के आए, हम लोगों ने इन्हें सहयोग दिया, इसलिए कि इनका कॉमन कॉज है और लोगों के प्रति संवेदना है, संवेदनशील इंसान है, इसलिए हम लोगों ने इनको मदद किया है। आप लोगों का भी पुनीत कर्तव्य है, चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं। आपने कहा और जगह क्या होता है, सहरसा सबसे कटा हुआ है, सिर्फ शहर जैसा लगता है। आप देखिए, कोई भी जिला चले जाइए, सड़क सब कुछ अच्छा है यहाँ से। इसके प्रति सरकार का नजरिया हमेशा अलग रहा है, और सरकार उदासीनता बरती है यहाँ के विकास के लिए। सीधी बात यह है, इसका विरोध करता है जनमानस, और जनता इनके साथ आई है और जनता साथ जा रही है। न किसी नेता से मतलब है, न किसी पार्टी से मतलब है, न किसी देश को, हम लोगों की अपनी सुविधा चाहिए, इसी के लिए हम लोग यहाँ से आज शुरू किया है, यही हम लोगों का कार्यक्रम है। एनएच की सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वहीं नगर परिषद की सड़कों का भी हाल बेहाल ही है। जर्जर सड़कों के कारण न सिर्फ आवागमन प्रभावित होता है, बल्कि बराबर यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। बारिश के मौसम में पानी आ जाने से पता ही नहीं चल पाता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। फिलहाल अब जरूरत है ऐसी ही गांधीगिरी की, जिससे सरकार के रहनुमाओं की नींद टूटे और जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सामने आकर इस दिशा में कदम उठाएं और सड़कों की मरम्मत करवाएं। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, बिहार।